मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब जब जो जिम्मेदारी देती है उसे सहर्ष से उत्साह संपन्न करता हूँ। अभी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के महामंत्री का दायित्व है जी, और उसके साथ उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। रही बात चुनाव की, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर देती है, और जो कार्यकर्ता ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता उसे और अधिक जिम्मेदारी मिलती है। ये एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रहती है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन रहता है जी। हमारे भजन लाल जी कहते हैं कि हर कार्यकर्ता कैमरे की नजर में है। किसने कल्पना करी थी कि भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? मालवीय जी की, तो हमारे ही थे, हमसे बिछुड़ गए थे, लौट के वापस घर आ गए और वो वहां असहज महसूस कर रहे थे। मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा में उनके जाने का हृदय हुआ तो कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया, तो उनकी आत्मा ने कहा होगा कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। और निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। रही बात युवाओं की जो आपने जिक्र किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में एक बार फिर हम दामोदर जी अग्रवाल से जुड़ने जा रहे हैं। आप बीजेपी से वास्ता रखते हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, लेकिन आपको चुनाव का एक विशेष अनुभव प्राप्त है। अभी तक हमने करीब एक दर्जन से अधिक चुनाव इनके साथ विभिन्न रिपोर्टिंग के इश्यूज को लेकर कवर किए हैं, लेकिन आपका अंदाज भी लाजवाब है। सत्ता संगठन को किस तरह से आगे ले जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए और किस समय किस वस्तु स्थिति का उपयोग होना चाहिए, ये सब आज हम इनसे जानेंगे। लेकिन आने वाली युवा शक्ति को बीजेपी में जोड़ा जा रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी से नेतृत्व रखने के साथ ही अभी अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये पहली इनसे मुलाकात है। इन सभी बातों को लेके जानेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के बाद आप क्या सोचते हैं? सर, बहुत सारी बार हम आपसे बातें कर लेते हैं और हर चुनाव की खबर बता देते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दामोदर जी अग्रवाल आखिर है कौन। तो दामोदर जी अग्रवाल एक बार परिचय दे दें और फिर इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब जब जो जिम्मेदारी देती है उसे सहर्ष से उत्साह संपन्न करता हूँ। अभी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के महामंत्री का दायित्व है जी, और उसके साथ उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है जी। मैं भीलवाड़ा का निवासी हूँ और पार्टी की योजना से काम करता हूँ। तो ये तो परिचय हो गया, लेकिन आज हम दामोदर जी अग्रवाल से इस खास बात को लेकर जरूर जानेंगे कि एक चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह से देश की सर्वोच्च पार्टी से आप नाता रखते हुए युवा शक्ति को भी जोड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही है कि शादी का आयोजन हो या फिर किसी सामान्य कार्यक्रम का आयोजन हो, लेकिन या तो चुनाव का आयोजन होता है और दामोदर जी अग्रवाल सबकी नया पार लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसे सामान्य पार्टी कहना ठीक नहीं है। वी आर द पार्टी विद डिफरेंस। इस पार्टी में राष्ट्रीय वैचारिक अधिष्ठान से संकल्पित कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस विचार और इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण के साथ काम करते हैं। यही हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूं जी। रही बात चुनाव की, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर देती है, और जो कार्यकर्ता ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता उसे और अधिक जिम्मेदारी मिलती है।
ये एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रहती है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन रहता है जी। हमारे भजन लाल जी कहते हैं कि हर कार्यकर्ता कैमरे की नजर में है। किसने कल्पना करी थी कि भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। हमारे साथ ही वो महामंत्री थे प्रदेश के, हम एक ही कक्ष में बैठा करते थे जी। और आज मुझे इतनी खुशी है कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री से नवाजा। ऐसा दूसरे किसी राजनीतिक दल में होना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल में नेता किसी की कोख से पैदा होना जरूरी है जी। केवल भाजपा ये जो परिवार की पार्टी नहीं है, परंतु जो पोटेंशियल कार्यकर्ता समर्पण के साथ काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, तभी तो एक चाय बेचने वाला सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इस पार्टी की उस परंपरा के हम वाहक हैं, इसलिए जिस चुनाव में जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम निभाते हैं। रही बात मालवीय जी की, तो हमारे ही थे, हमसे बिछुड़ गए थे, लौट के वापस घर आ गए और वो वहाँ असहज महसूस कर रहे थे, खास तौर से जब रामलला के मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा में उनके जाने का हृदय हुआ जी। तो कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया, तो उनकी आत्मा ने कहा होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी जी। रही बात युवाओं की जो आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष 40 साल से छोटा होता है, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष 50 साल की उम्र का होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 60 साल से कम का होता है। ये जो एक जनरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए साहस चाहिए और वो साहस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है। आज मोदी जी, परसों जब राष्ट्रीय अधिवेशन था, उन्होंने कहा है कि मुझे तीसरी बार सत्ता राज भोगने के लिए नहीं चाहिए, हमारे अधेरे सपनों को पूरा करना है। भारत, भारतीय और भारत के नौजवानों की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार काम करना है, इसलिए मुझे तीसरा कार्यकाल चाहिए। मैं राज भोगने वाले लोगों के पक्ष में नहीं हूं या उनमें नहीं हूं, और मैं परिवार की चिंता करने वाला आदमी भी नहीं। मोदी जी ने कहा कि यदि मैं परिवार की चिंता करता तो आज करोड़ों भारतीयों के घर नहीं बनते, आज 70-80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज नहीं मिलता, आज तमाम भारतीय आयुष्मान योजना से लाभान्वित नहीं होते, आज किसान सम्मान निधि से किसानों को हौसला अफजाई नहीं होती। ऐसे जो नवाचार है, चाहे हर घर में हर घर में नल से जल, चाहे ड्रोन के माध्यम से विकसित तकनीक से अब खेती करने की बात हो, चाहे हमारी और स्वयं सहायता समूह की बहनों में से 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो, और इस सबके बावजूद एक विचित्र मिथक है, इस प्रकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद हम दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए जी। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत का रक्षा एक्सपोर्ट बेहताशा बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आज भारत में एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। आज भारत और भारतीय गर्व से अपना सीना ऊपर करके जीने का आदी हुआ है। आज भारतीय नौजवानों में उत्साह का संचार हुआ है, और उन्होंने भी संकल्प लिया कि 2047 में हम उस पूर्ण विकसित भारत की कल्पना के साथ नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, इसके लिए मंत्र क्या है? यदि 25 की जगह 26-27 होती तो हम 27 देते जी। जनता का आशीर्वाद है, जनता नरेंद्र मोदी, उसकी नीति, उसकी नियत, उसके कार्यक्रम
उसका समर्पण, उसकी ईमानदारी, उसकी पारदर्शिता, उसकी कठोर मेहनत और देश के प्रति उसके त्याग को सलाम करती है। इसलिए तीसरी बार 400 पार का नारा हमने दिया है। एनडीए 400 पार, भाजपा की 370 सीटें आए, इस लक्ष्य के साथ हमारे नेता ने आम जन से अपील की है। राजस्थान की 25 से 25 सीटें तीसरी बार निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के चरणों में जाएगी। और हमारा लक्ष्य है, जैसा कि आज संकेत हुआ मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी सीट 5 लाख से कम से नहीं जीते। तो अब हमारा लक्ष्य केवल 25 सीट जीतना नहीं है, अब हमारा लक्ष्य यह है 25 ही सीट 5 लाख से अधिक से अंतर से जीते। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता का आशीर्वाद है, तो ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभी जो नज़र है वो आदिवासी एरिया पर है, और आदिवासी इलाके में ही वो लोकसभा सीट भी आ रही है, जो पहली बार मैं रंजीत मालविया को अब प्रत्याशी के रूप में भी चर्चा के तौर पे देखा जा रहा है। यदि वे प्रत्याशी बनते हैं तो किस तरह से आप इस सीट को लेकर के देखते हैं, खासकर जो भारतीय आदिवासी पार्टी का जो अभी दारोमदार बताया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, जब मालविया जी नहीं थे तो भी हमने वो सीट जीती है, अभी भी हमारे कनकमल जी कटारा सांसद हैं जी। पर ये तय है कि मालवीय जी के आने के बाद हमारी ताकत में इजाफा हुआ है, कांग्रेस की और बाप की कमर टूटी है, क्योंकि मालवीय जी स्वयं एक संस्था है, उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ डाइवर्ट होता है। तो रही बात आदिवासी पर नज़र की, ये देश का अब तक दुर्भाग्य रहा कि हमने आदिवासी पर नज़र रखी नहीं जी। और इन 10 वर्षों में आदिवासी की महत्वाकांक्षाएं बलवती हुई हैं, विकास को उन्होंने गहराई से महसूस किया है, क्योंकि हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा आदिवासी समाज को मिला है, और इसीलिए आदिवासी पर नज़र जाना शुभ संकेत है। और हमने तो आदिवासी में भी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों को गौरव का एहसास कराया है। इसलिए आदिवासी समाज हमारे साथ शुरू से था, है और रहेगा। रही बात इस लोकसभा की, कोई निर्णय अभी तय नहीं है कौन उम्मीदवार होगा। हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड जिसके पक्ष में फैसला करेगा वो हमारा उम्मीदवार है। अभी तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, जिसके पास कमल का फूल होगा वो प्रचंड बहुमत से आज के क्लस्टर की तीनों सीटें भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सहित प्रचंड बहुमत से हम जीत कर निकलेंगे। इतनी अच्छी देश की बड़ी पार्टी के लिए नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, और युवा कहीं कहीं जुड़ते हैं, तो ये अभी तक कहा जाता रहा है कि युवाओं को हम जोड़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में पार्टी में युवाओं की और भागीदारी उच्च पदों पर बढ़ेगी, जैसा कि हम विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? तो देखिए, कांग्रेस और इंडी अलायंस देश को बांटने की, तोड़ने की, विभाजन की राजनीति करती है, जाति की राजनीति भी करने का दाव खेलती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है कि देश में चार ही जाति है, युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है। इस रूप में इनको देखा जाना चाहिए, और निश्चित रूप से एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं समझता हूँ कि जितना अवसर भाजपा में ने युवाओं को दिया है किसी पार्टी ने दिया नहीं है। आज हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी 80 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर और चुनावी बेतरनी पार करना चाहती है, समझ से बाहर की बात है। और केवल युवा नहीं, महिलाओं के सम्मान के प्रति जो एक गौर अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस का रहा, उसकी सजा भी कांग्रेस को मिल रही है। युवा के साथ साथ आज देश भर की महिलाएं बड़ी संख्या में, बड़े प्रतिशत में, तुलनात्मक दृष्टि से पुरुषों से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा को आशीर्वाद देती है। कितने वर्षों तक हम मुस्लिम आरक्षण के महिला आरक्षण की बात करते रहे, आज हमने उसको पारित करके आने वाले 5 साल बाद इस देश की संसद और विधानसभा में 1/3 महिलाएं बैठे। कैसे हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को और पूरी निष्ठा के साथ पारित किया, कैसे हमने बिना मांगे किसान को किसान सम्मान निधि और उसकी उपज का
ठीक मूल्य प्राप्त हो, इस दिशा में काम किया, उसकी फसल किस प्रकार से सुरक्षित रहे, कैसे बीमा का कवरेज मिले, इस बात की चिंता करिए। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा की सरकार ने गरीब को केंद्र में मानकर गरीब के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए गरीब को योजना से लाभ प्राप्त हो, क्योंकि हमारी बेसिक अप्रोच रही है जब तक विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति विकास की मूल धारा में आकर साथ खड़ा नहीं होगा, ये देश विकसित नहीं हो सकता। तो आज आम गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा को लगता है भारतीय जनता पार्टी मेरे हितों के प्रति चिंतित है, उसकी रक्षा करती है, इसीलिए आज 36 कौम की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और इसीलिए हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। निश्चित रूप से इसको आम जन का समर्थन प्राप्त है। देश में गलत करने वालों के लिए ईडी तो हमेशा ही कार्रवाई करती है, लेकिन अब ईडी से हर कोई डर रहा है, तो दामोदर जी अग्रवाल से इस बारे में जाने तो क्या कहते हैं कि ये कहा जाता है कि भाई ईडी का अब सबको वो भय दिखाया जा रहा है, ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और दुरुपयोग हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? सांच को आँच निर, झूठ को पांव नहीं। अगर ये लोग सच्चे हैं तो परेशान क्यों हैं? कानून सबके लिए एक है, जब कानून का शिकंजा कसा जाता है तो इनके अंदर जो चोर है, इन्होंने जनता के धन पर डाका डाला है, इन्होंने जो गरीबों के नाम पर अपना खजाना भरा है, अपने खानदान की और सेहत को ठीक किया है, और जब पाप सामने आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उसको भी उगलवाऊंगा, अब इनके उगलने का अवसर आ रहा है, जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं, जनता के सामने ये भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं, तो एक कानून की सामान्य प्रक्रिया से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, उससे इनको परेशान होने की जरूरत नहीं अगर ये ईमानदार हैं तो। ये परेशान इसलिए है कि इनको इनका भविष्य जेल के सींकचों में नजर आ रहा है। आजकल आपकी पार्टी में कांग्रेस के लोगों के आने की खबर बड़ी जोरों से देखी जा रही है, क्या कहते हैं दामोदर जी? अच्छा लक्षण है, हम तो बा फैलाकर हिंदुस्तान के आम मतदाता का स्वागत अभिनंदन करने को तैयार हैं। और कांग्रेस से आने की बात आज बढ़ गई होगी जी सर, लेकिन कांग्रेस से आने वालों की थोड़ी मात्रा बढ़ी होगी, बाकी एक जमाने में ऑल ग्रैंड पार्टी हिंदुस्तान की आजादी की प्रतीक थी, सभी लोग कांग्रेसी थे, हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के थे, कांग्रेस की विचारधारा, उनके तुष्टिकरण, उनके भ्रष्टाचार और उनके अपीजमेंट की पॉलिसी से दुखी होकर धीरे धीरे लोग कांग्रेस छोड़ते गए। आज कांग्रेस दिवालिया होने कर कगार पर है और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज है, तो निश्चित रूप से इसकी लोक कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग यहाँ आ रहे हैं। और जब कांग्रेस कहती कौन राम है, मंदिर में हम जाएंगे नहीं, कौन सी राम सेतु है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग हिंदुओं को अपमानित करने से चूकते नहीं हैं, तो धीरे धीरे देशभक्त समाज हमारे साथ जुड़ता चला आ रहा है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है, उधर लोगों का आकर्षण होता है। तो आने वालों का अभिनंदन है, भारतीय जनता पार्टी का हाजमा बहुत अच्छा है, आने वाले सब लोग हमारे अनुशासन में रहकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी ताकत बढ़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है, यानी कि पासपोर्ट कार्यालय को क्रमोन्नत करवाना है, ऐसा हम अभियान चला रहे हैं और इस मुहिम के जरिए लगातार आप तक कंटेंट पहुँच रहे हैं। सर से जानते हैं, हमारी मुहिम है जागो उदयपुर जागो और पासपोर्ट कार्यालय के लिए उदयपुर, आप क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में और उदयपुर को उदयपुर का हक मिल जाए, ऐसा दामोदर जी सर इस पर क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कारण खुला है जी, यदि उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है और उसको अपग्रेड करने का विषय है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखेंगे और उसमें यहाँ की जन आकांक्षा के अनुरूप इसे अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा इससे आगे बात करने का है, पासपोर्ट किसके लिए? विदेश यात्रा के लिए जी। आज के 10 वर्ष पहले विदेश यात्रा की स्थिति क्या थी जी? देश के प्रधानमंत्री की भी अमेरिका में तलाशी ली जाती थी, नरेंद्र भाई मोदी को वीजा नहीं देता था अमेरिका, और आज रेड कारपेट बिछा कर, छाता हाथ में लेकर,
विनम्रता पूर्वक भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन एयरपोर्ट पर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। आज जो करोड़ों करोड़ भारतीय विदेश रहते हैं, थोड़ा उनसे पूछिए, 10 साल पहले उनको इंडियन कहने में असहज महसूस होते थे, लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। आज जब वो कहते आई एम इंडियन, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, मोदी इज देयर, आज वो कहते हैं कि हमें जो सम्मान रिकॉग्निशन मोदी सरकार के कारण मिला है, वास्तव में काबिले तारीफ है। क्या आपने सभी सुना कि युद्ध रुकते हैं, युद्ध के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनते हैं, रूस उत्कीर्ण युद्ध के अंदर भारतीय मेडिकल स्टूडेंट को किस प्रकार से तिरंगे की आड़ में और नरेंद्र मोदी के दखल से सम्मान सुरक्षित भारत लाया गया, आपने अभी देखा है। अरेबियन कंट्रीज से किस प्रकार हमें हमारे और नौसैनिक जिनके ऊपर जी किसी भी इल्जाम के कारण मृत्युदंड था, सह सम्मान भारत लौट गए। आज भारतीय क्षेत्र के अंदर जो हमारे लोग चले गए किसी भी कारण से, किस प्रकार से पाकिस्तान की और जेलों के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया, वो विक्षिप्त हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन जब हमारा एक अभिनंदन जाता है तो 72 घंटे के अंदर सह सम्मान पाकिस्तान उसे छोड़ने पर भारत लाने पर विवश होता है और भारत माता की जय कहते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करता है और भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा होता है। केवल पासपोर्ट पीछे नहीं है, पासपोर्ट के बाद विदेश जाते समय हमारे व्यक्ति किस प्रकार से सुरक्षित रहे, महफूज रहे, किस प्रकार से उनकी वहाँ इज्जत बढ़े, उनका स्वागत अभिनंदन हो, इस बात की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज करता है। निश्चित रूप से आपकी मुहिम इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से इस मुहिम को हम आगे बढ़ाकर जन आकांक्षा के अनुरूप यहाँ पर अपग्रेडेशन हो, इसका प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, दामोदर सर से बात करते हैं, हम बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस मुहिम की आपने आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन ये जान लेते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये संभव है। पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विवेक जेप्स, आपका ये कहना है कि सिर्फ इसको अपग्रेड करने में 1 दिन का वक्त लगता है, तो क्या तकनीकी रूप में आपके द्वारा रखा जा सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले इसको सौगात दी जा सकती है? देखिए, इतना टेक्निकल मैं नहीं समझता हूँ जी, मैं इस विषय को समझूंगा और इसमें जो करनी है वो करवाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। आप सामाजिक सरोकार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निभाया है वो शायद ही और कोई ऐसा देखने को मिला हो, क्या कहते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, देश की हर जाति बिरादरी को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। मुझे तो 1% लगता है कि मोदी जी के विरोधी बड़े हैं, आप ही तो कह रहे हो दूसरी पार्टियों के लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। रही बात जो राजनीतिक दल अब तक अपने परिवार के लिए, अपने कुनबे के लिए, अपनी साथ साथ पीढ़ी के लिए काम करती थी, अब उनके स्वार्थ पर, उनके अहम पर चोट हुई है, इसलिए वो चीख रहे हैं। लेकिन आम जन उससे प्रसन्न है कि कोई तो है जो इनके 70 साल के हिसाब किताब को जनता के बीच लाकर इनको बेनकाब कर रहा है। जनता उनके साथ नहीं, कुछ गिरोह है और वो गिरोह भी अपने ही बोझ से टूटकर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप देख रहे हो राहुल बाबा निकल रहे आसाम से, उन्हीं की इंडिया अलायंस की दीदी बंगाल में उनको घुसने नहीं देती है, वो बिहार आते हैं उससे पहले पहले सुशासन बाबू अपनी गलती का एहसास करके उस दल को छोड़कर इंडिया अलायंस को भाजपा में शामिल हो जाते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि आप अब किसी से समझौता नहीं करेगी, शिवसेना कहती है हमें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, आज शरद पवार का प्रमुख सेनापति हमारे साथ जुड़ रहा है। आप ऐसी बहुत सी बातें देख रहे होंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का व्याप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सच्ची नीति और नियत के कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी लोग श्रिंक हो रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन है इसलिए कुछ बोलते हैं, पर जनता उस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से अब की बार 400 पार जैसा आशीर्वाद हिंदुस्तान की आवाम देगी, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है।
अभी तक हम फिल्मी डायलॉगों में सुनते कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, जो भी कुछ, लेकिन अब देश के पास राम मंदिर है। दामोदर जी इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं, हमारी आस्था का विषय है जी। 500 बरस से हिंदू समाज अपने रामलला के जन्म स्थल को, रामलला विराजमान को पाने के लिए संघर्षशील था। लाखों हिंदुओं ने इसके लिए कुर्बानी दी है, और हमने तो वो समय देखा जब हम पार सेवा में गए, किस प्रकार से मुलायम सिंह ने राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, उनकी लाशों को और उनके अर्ध क्षत विक्षत शवों को सरयू नदी में फेंक दिया गया, सरयू के पवित्र पानी को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया गया। तब हजारों लाखों लोगों ने कुछ संकल्प लिया था, और जब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर दिव्य बनाएंगे, तो लोग सवाल खड़े करते थे कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज रामलला अपने स्वयं के निज जन्म स्थल पर भव्य दिव्य आवास में विराजमान होकर केवल मुस्करा नहीं रहे हैं, उनकी आंखों से स्नेह बरस रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है, और आज पूरी देश और दुनिया के अंदर राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में जुटा पड़ा है, और धीरे धीरे अयोध्या केवल राम मंदिर के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात हो, इस बात का पुरजोर प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से सैकड़ों करोड़ भारतीय इससे अत्यंत संतुष्ट हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम तो भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र दिन 22 जनवरी को हमें आँखों से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से राम जी का आशीर्वाद भी भाजपा के साथ। तो ये थे दामोदर सर, और ये इंटरव्यू जरूर लंबा हो गया, लेकिन इनकी बात का जवाब बड़े अंदाज में होता है, और हर बार ही हम एक नए इशू पर बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह का ये सम्मेलन, और या यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले का जो ये मंथन हुआ है, इसका मैसेज न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता के बीच में भी गया है, और डबल इंजन सरकार होने के साथ ही जिस तरह से देश में हाल ही में लगातार कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने आश्वस्त किया यही राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है, इसके लिए भी आपने आश्वस्त किया है। आने वाले दिनों में इस कार्यालय की सौगात भी उदयपुर को मिल सकती है, क्योंकि दामोदर सर ने आश्वस्त जो कर दिया है, और इस पीड़ा को दामोदर सर आगे जरूर रखेंगे। तकनीकी विषय हैं, लेकिन किस तरह से समाधान हो सकता है, इसका आश्वासन आज हमें मिला है, और हमें भी खुशी इस बात की है कि जब इंटरव्यू हम करने पहुंचे तो सर से इस सवाल के दौरान ही इन्होंने बड़ी सहज भाव से हमें इस बात को रखा है। धन्यवाद, खूब खूब हमारी मुलाकात ऐसे ही चलती रहे जी, आपके माध्यम से हमारी भावनाएं आम जन तक पहुंचे और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलता रहे जी। इसके लिए आपका जो प्रयास है उसको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। तो ये परिवार के सदस्य हैं, इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी, और एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।